उत्तर प्रदेश की विकास को रफ्तार देने के लिए पिछले 8-9 वर्षों में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी है एवं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व के कारण पिछले 5-6 वर्षों में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति आई है। इसी क्रम में आज श्री गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। गोरखपुर के विकास को गति देने के लिए 4,800 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड गोरखपुर बाईपास और सुनौली गोरखपुर मार्ग का शिलान्यास किया जा रहा है। 4-लेन गोरखपुर बाईपास के निर्माण से रिंग रोड पूर्ण होगा, जिससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी एवं गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंच आसान होगी। सुनौली जंगल कौड़िया गोरखपुर 4-लेन मार्ग से वाहनों की आवाजाही बेहतर होगी, जिससे इस क्षेत्र के कृषि और औद्योगिक उत्पाद को नई मंडियों और बाजारों तक पहुँच मिलेगी। गोरखपुर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचने का समय 2 घंटे से घटकर 1 घंटा हो जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और बौद्ध श्रद्धालुओं को लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ तक बेहतर जुड़ाव मिलेगा, जिससे पारंपरिक सामंजस्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बेहतर होगा। पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 227A पर 2,000 करोड़ रुपए की लागत से कोई बाजार गोला तथा छावनी छपिया खंड का लोकार्पण तथा छपिया शिकरीगंज, शिकरीगंज बड़हलगंज एवं बड़हलगंज मेहरोना घाट खंड का शिलान्यास किया जा रहा है। इससे यात्रा सुगम और तेज होने से मिर्च, टमाटर, सब्जियों और मिलेट जैसे कृषि उपज का निर्यात बढ़ेगा। यह मार्ग राम जानकी मार्ग का हिस्सा होने के कारण अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आगे जनकपुर तक सुगम और सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान होगी। इसी के साथ शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं गोरखपुर आनंद नगर रेल खंड पर रोड ओवर ब्रिज, जिसके निर्माण से शहर में लगने वाले जाम और प्रदूषण से निजात मिलेगी। बलरामपुर बाईपास और गिलौला बाईपास से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर की बेहतर कनेक्टिविटी एवं देवी पाटन मंदिर के पर्यटकों के लिए यातायात सुगम होगा। शोहरतगढ़ से उसका बाजार तक का अपग्रेडेशन कार्य तथा शोहरतगढ़ बाईपास के बन जाने से ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। साथ ही NH 730S महाराजगंज निचलौल ठोठी बारी के अपग्रेडेशन से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक पहुंच आसान होगी। हड़िया चौराहे से करमैनी घाट के उन्नयन कार्य से बस्ती से गोरखपुर एवं संत कबीर नगर से बेहतर जुड़ाव मिलेगा। आज लोकार्पण होने वाली अन्य परियोजनाएं हैं NH 29E पर जंगल कौड़िया महद्दीपुर खंड का 4-लेन, NH 328 पर भौराबरी से परतावल चौराहा, NH 727G बभनान मेन CC पेमेंट बनने से श्रद्धालुओं की प्रसिद्ध स्वामी नारायण छपिया मंदिर की यात्रा सुगम होगी, और NH 730 पर बंगाली टोला से बरनहा पूरा पट्टी तक चौड़ीकरण कार्य से इन मार्गों पर यात्रा सुगम और तेज होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश में हो रहा है विश्व स्तरीय हाईवे नेटवर्क का निर्माण।